नमस्कार दोस्तों, मैं रुद्र पटेल आज की इस वीडियो के अंदर आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर मैं एक बहुत ही छोटी सी स्मॉल कैप कंपनी के बारे में आपको बताऊंगा। इस वीडियो के अंदर हम लोग डिटेल में उस कंपनी की एनालिसिस करेंगे, मैं उस कंपनी का आपको फाइनेंशियल फंडामेंटल बताऊंगा और मुझे पर्सनली इस स्टॉक को लेकर काफ़ी ज़्यादा उम्मीद है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आने वाले टाइम के अंदर ये स्टॉक काफ़ी ज़्यादा आगे जाएगा और ये मल्टीबैगर स्टॉक भी बन सकता है। यहाँ पर मेरा फर्स्ट टारगेट जो है वो 10 टाइम्स का है, आगे मेरा सेकंड टारगेट है 20 टाइम्स का और यहाँ तक 100 टाइम्स तक का मुझे यहाँ पर रिटर्न की एक्सपेक्टेशन है। तो मैं इस स्टॉक को लेकर काफ़ी ज़्यादा बुलिश हूँ। तो चलिए जानते हैं आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको डिटेल के अंदर सब कुछ बताता हूँ। तो चलते हम लोग सीधे हमारी स्क्रीन की ओर। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर कंपनी का नाम है ग्लोबल एजुकेशन। अभी ये लोग कर क्या रहे उसकी भी हम लोग थोड़ी बहुत बात कर लेते हैं और साथ ही ये लोग एजुकेशनल सर्विसेज वगैरह प्रोवाइड करते हैं। एक बहुत ही छोटी सी स्मॉल कैप कंपनी है, 341 करोड़ की यहाँ पर इसकी मार्केट कैप है। अगर हम लोग बात की जाए रिस्क की तो हाईली रिस्की है क्योंकि स्मॉल कैप कंपनी है तो इसके स्टॉक के अंदर काफ़ी ज़्यादा वैल्यूएशन के अंदर काफ़ी ज़्यादा चेंजेस और फ्लक्चुएशन देखने को मिलते हैं। अगर हम लोग इसके 1 वीक के चार्ट की बात करी जाए तो यहाँ पर 1 वीक का चार्ट ऑलमोस्ट स्टेबल है। 1 मंथ के चार्ट की बात करी जाए तो यहाँ पर बीच के अंदर स्टॉक के प्राइस के अंदर काफ़ी ज़्यादा उछाल देखने को मिला था। 1 ईयर के अंदर कंपनी के रिटर्न्स नेगेटिव है, कंपनी ने 5% के यहाँ पर लॉस करे है। 5 साल के अंदर कंपनी ने 517% का यहाँ पर रिटर्न दिया है, मतलब कि 570% का यहाँ पर कंपनी ने रिटर्न दिया है। तो पिछले 5 सालों के अंदर कंपनी ने अच्छा खासा रिटर्न दिया है। अब हम लोग एक बार देख लेते हैं कि भाई टिकर टैप इस कंपनी के बारे में क्या बताया है। तो टिकर टैप के अंदर यहाँ पर परफॉर्मेंस कंपनी का लो बता रहा है, वैल्यूएशन कंपनी की हाई है, यहाँ पर ग्रोथ कंपनी की एवरेज दिखाई जा रही है। अगर हम लोग प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें तो प्रॉफिटेबिलिटी हाई है, एंट्री पॉइंट गुड है, रेड फ्लैग लो है। तो अब हम लोग इसके की मैट्रिक्स को देख लेते हैं जिससे कि हम लोग इसके वैल्यूएशन को और डिटेल के अंदर समझ सके। फिलहाल इसका करंट पी 12 के आसपास में चल रहा है, पी 5 के आसपास में चल रहा है और अगर सेक्टर के साथ कंपेयर किया जाए तो सेक्टर का पी यहाँ पर 63 का है और सेक्टर का पी 6 का है। तो अगर सेक्टर के साथ आप इस कंपनी का सीधा कंपेरिजन करोगे तो क्लियरली आप लोग देख सकते हो कि ये कंपनी काफ़ी ज़्यादा अंडर वैल्यूड है। कंपनी का पी बहुत ही कम है, कंपनी का पी भी बहुत ही ज़्यादा कम है, तो कंपनी काफ़ी ज़्यादा अंडर वैल्यूड है। और यहाँ पर डिविडेंड यील्ड यहाँ पर बता नहीं रहा है लेकिन एक्चुअली में ईयरली इनकी 1-2% की डिविडेंड यहाँ पर यील्ड है। ये कंपनी ने पिछले ईयर के अंदर भी काफ़ी अच्छे अच्छे डिविडेंड्स निकाल कर दिए थे। अगर हम लोग अब कंपनी के फाइनेंशियल ट्रेंड को देखें तो फाइनेंशियल ट्रेंड सीधा का सीधा ऊपर की ओर ही जाता हुआ नजर आ रहा है। कंपनी ने यहाँ पर ईयर ऑन ईयर काफ़ी अच्छा अच्छा प्रॉफिट्स भी बुक करा है और साथ ही साथ कंपनी की रेवेन्यू भी बढ़ी है। 2020 के अंदर कंपनी ने करीब 7 करोड़ का यहाँ पर प्रॉफिट बुक करा था, वहीं पर 2021 के अंदर 3 करोड़ का प्रॉफिट बुक करा था, वहीं 2022 के अंदर कंपनी ने 10 करोड़ का यहाँ पर प्रॉफिट बुक करा था और फाइनेंशियल ईयर 2023 के अंदर कंपनी ने 22 करोड़ का यहाँ पर प्रॉफिट बुक करा है। तो कंपनी के प्रॉफिट के अंदर काफ़ी अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है जो कि कंपनी के लिए एक बहुत ही अच्छी चीज़ हो जाती है। अब हम लोग यहाँ पर थोड़ी बहुत इसकी शेयर होल्डिंग पैटर्न को भी समझ लेते हैं। तो यहाँ पर प्रमोटर का स्टेक 73% का है जो कि रिटेल इन्वेस्टरों के लिए काफ़ी चीज़ अच्छी ज़्यादा चीज़ हो जाती है क्योंकि अगर प्रमोटर का स्टेक ज़्यादा रहेगा तो जो रिटेल इन्वेस्टर है FISDIs है उनके पास में स्टेक कम रहेगा और अगर प्रमोटर अपने स्टेक को यहाँ पर पकड़ कर बैठे रहते हैं तो यहाँ पर जो रिटेल इन्वेस्टर्स है उनको काफ़ी बड़ा बेनिफिट देखने को मिलेगा क्योंकि जो डिमांड है वो कंपनी के शेयर्स की वो बनी रहेगी जिससे कि प्राइस के अंदर काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज भी देखने को मिल सकता है। यहाँ पर फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर की 0.07% की यहाँ पर होल्डिंग है। अगर रिटेल इन्वेस्टर्स की बात करीजिए तो उनकी यहाँ पर करीब 26% जितनी यहाँ पर होल्डिंग है। तो ये जो इसका होल्डिंग पैटर्न है वो भी इस कंपनी को एक बहुत ही अच्छी कंपनी बना देता है। अब हम लोग देख लेते हैं भाई इसके अंदर डिविडेंड वगैरह को लेकर और दूसरी इवेंट्स कैसी रहती है। तो आप लोग यहाँ पर डिविडेंड देख ही सकते हो कि कंपनी ने हर साल यहाँ पर डिविडेंड निकाला है और कंपनी ने काफ़ी अच्छे अच्छे यहाँ पर डिविडेंड्स निकाले। कॉर्पोरेट एक्शन को भी हम लोग थोड़ा बहुत देख लेते हैं। तो यहाँ पर कंपनी ने 2 कॉर्पोरेट एक्शन कर रखी है। 2020 के अंदर कंपनी ने बोनस निकाला था और 2022 के अंदर कंपनी ने स्टॉक स्प्लिट करा था। तो ऐसी जो इवेंट्स वगैरह रहती है इससे रिटेल निवेशकों को काफ़ी ज़्यादा फायदा होता है, प्लस कंपनी के अंदर जो है लिक्विडिटी वगैरह बनी रहती है, नंबर ऑफ शेयर्स वगैरह बढ़ता है, तो अलग अलग इवेंट का अलग अलग बेनिफिट निकलता है। और डिविडेंड का तो सीधा फायदा आपको पता ही कि सीधा पैसा जितने भी रिटेल निवेशकों के पास में जितने भी शेयर हैं उसके हिसाब से पैसा सीधे उनके बैंक अकाउंट के अंदर आ जाता है, तो वो भी इनके लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छी चीज़ हो जाती है। तो अब हम लोग चलते हैं सीधे स्क्रीनर की और स्क्रीनर के अंदर मैं आपको थोड़ा बहुत और डिटेल के अंदर इसका एनालिसिस करके दिखाता हूँ। अब मैं आ चुका हूँ सीधे स्क्रीनर की और स्क्रीनर के ऊपर फिलहाल इसका स्टॉक का प्राइस करीब 171 का बता रहा है। अबाउट के अंदर कंपनी के बारे में थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन दी है तो वो मैं आपको थोड़ा डिटेल के अंदर समझाता हूँ। तो ग्लोबल एजुकेशन लिमिटेड इज एन एजुकेशनल सर्विस प्रोवाइडर एंड अ कंसल्टेंसी फर्म ऑफरिंग बिजनेस मैनेजमेंट कंसल्टेंसी सर्विसेज विद इट्स हेड क्वार्टर इन मुंबई। तो यहाँ पर कंपनी का जो हेड क्वार्टर है मुंबई के अंदर है और ये मुंबई बेस्ड कंपनी है और ये कंपनी अलग अलग दूसरी कंपनीज को यहाँ पर मैनेजमेंट वगैरह की सर्विसेज प्रोवाइड कराती है। तो अब हम लोग यहाँ पर कंपनी के थोड़ी बहुत फंडामेंटल की थोड़ी बहुत और डिटेल के अंदर एनालिसिस कर लेते हैं। तो कंपनी का फिलहाल मार्केट कैप करीब 348 करोड़ के आसपास में है, तो कंपनी बहुत ही ज़्यादा छोटी स्मॉल कैप कंपनी है। तो अब कंपनी यहाँ से अपने प्रॉफिट को थोड़ा बहुत और इंप्रूव कर लेती है, कंपनी अपने प्रॉफिट्स को 5 टाइम्स 7 टाइम्स 8 टाइम्स जितना भी अगर यहाँ से ग्रो कर लेती है तो यहाँ पर इसकी वैल्यूएशन जो है वो 10 टाइम्स जितनी ग्रो हो सकती है। अब वैल्यूएशन 10 टाइम्स ग्रो होगी तो स्टॉक का प्राइस 10 टाइम ग्रो होगा, तो यहाँ पर आपको सीधे के सीधे 10 गुना जितने रिटर्न मिल सकते हैं और इसकी एक्सपेक्टेशन आप लोग बहुत ही आसानी से रख सकते हैं। तो अब हम लोग दूसरी चीज़ों को देखते हैं।
तो यहाँ पर जो है TE 13 के आसपास में दोनों वेबसाइट के अंदर थोड़ा बहुत वेरिएशन रहता है, लेकिन रफली आप मानकर चलिए कि 12-13 का इसका PE है। बुक वैल्यू यहाँ पर 35 रुपीज़ की है। यहाँ पर डिविडेंड यील्ड जो है 1.76% की है। आप लोगों ने देखा है ना कि टिकट ऐप के अंदर इसकी डिविडेंड यील्ड बिल्कुल भी नहीं बता रही थी, लेकिन यहाँ पर 1.76% दिखा रही है। तो मैंने बोला था ना कि रफली 2% के आसपास में इस कंपनी की डिविडेंड यील्ड है, और कंपनी की डिविडेंड यील्ड सच में है। यहाँ पर एक चीज़ जो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद आई वो है ROCE। ROCE यहाँ पर 54 का है, तो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड काफ़ी अच्छा है, और ROE रिटर्न ऑन इक्विटी वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, 40 का यहाँ पर ROE देखने को मिल रहा है। तो ये दोनों चीज़ें बहुत ही बढ़िया है। फेस वैल्यू 5 रुपीज़ की है। अब हम लोग यहाँ पर इसकी थोड़े बहुत चार्ट की भी एनालिसिस कर लेते हैं। तो पिछले एक साल का चार्ट ऑलमोस्ट स्टेबल सा रहा है, थोड़ा बहुत फ्लक्चुएशन हुआ है, लेकिन रिटर्न अच्छे नहीं है। लास्ट 3 ईयर्स के अंदर स्टॉक के प्राइस के अंदर काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ देखने को मिली है, लास्ट 5 ईयर्स के अंदर भी काफ़ी अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है। और मैक्स टू मैक्स भी अगर हम लोग देखें 2017 से लेकर अब तक, तो कंपनी यहाँ पर 10 टाइम्स से भी ज़्यादा यहाँ पर ग्रो हो चुकी है। 2017 के अंदर स्टॉक का प्राइस करीब करीब 27 के आसपास में था, वहीं से बढ़कर अभी इसका स्टॉक प्राइस करीब 171 का हो चुका है। अब हम लोग प्रोज और कॉन्स की भी बात कर लेते हैं कि कंपनी के अंदर अच्छी चीज़ें क्या है, बुरी चीज़ें क्या है। तो आप लोग यहाँ पर कंपनी की अच्छी चीज़ें को हम लोग देख लेते हैं। तो कंपनी इज़ ऑलमोस्ट डेट फ्री, तो यहाँ पर कंपनी के ऊपर कोई भी कर्जा नहीं है। तो यहाँ पर ये सबसे अच्छी चीज़ यहाँ पर यही हो जाती है कि भाई कंपनी के ऊपर कोई भी कर्जा नहीं है, कंपनी पूरी तरीके से डेट फ्री है। तो जितने भी रिटेल निवेशक थोड़ा बहुत डर कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट वगैरह करते हैं कि भाई कंपनी के ऊपर डेट आ गया, या डेट वाली कंपनी से जो लोग दूर रहना प्रेफर करते हैं, तो उनके लिए एक बहुत ही अच्छा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन हो सकता है। तो आपको एक बार इस कंपनी के बारे में जरूर से सोचना चाहिए। कंपनी इज एक्सपेक्टेड टू गिव अ गुड क्वार्टर्स। कंपनी के पास से यहाँ पर एक्सपेक्टेशन लगाई जा रही है कि कंपनी अच्छे अच्छे रिटर्न्स यहाँ पर लाकर देगी। कंपनी हैज डिलीवर्ड गुड प्रॉफिट ग्रोथ ऑफ 29% CAGR ओवर लास्ट 5 ईयर्स। तो पिछले 5 सालों के अंदर कंपनी ने ओवरऑल 29% CAGR की ग्रोथ दी है, तो काफ़ी अच्छी चीज़ यहाँ पर हो जाती है। अगर कंपनी हैज़ अ गुड रिटर्न ऑन इक्विटी, ROE ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ 3 ईयर्स ऑफ ROE 26%। तो यहाँ पर रफली इनका 3 ईयर का जो ROE है वो 26% का है, तो यहाँ पर कंपनी का ROE काफ़ी अच्छा है। कंपनी हैज़ बीन मेंटेनिंग हेल्दी डिविडेंड पे आउट ऑफ 38%। तो ये जो डिविडेंड का जो पे आउट होता है वो और डिविडेंड डील दोनों के अंदर थोड़ा सा फर्क रहता है। तो यहाँ पर आप लोग मानकर चलिए कि यहाँ पर 2% के आसपास में डिविडेंड डील है, तो कंपनी ने अपने डिविडेंड डील को मेंटेन करके रखा है। कंपनी ईयर ऑन ईयर अच्छे अच्छे डिविडेंड बाहर निकाल। कंपनीज वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट हैज़ बीन रिड्यूस्ड फ्रॉम 275 डेज टू 125 डेज। तो यहाँ पर कंपनी की जो वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट जो है वो भी यहाँ पर थोड़ी बहुत रिड्यूस हुई है, तो वो भी एक अच्छी चीज़ हो जाती है। अभी हम लोग कंपनी के कॉन्स को देख लेते हैं। अरे क्या, यहाँ पर तो कंपनी के कोई कॉन्स है ही नहीं यहाँ पर, मतलब कि इस वेबसाइट के ऊपर कंपनी के बारे में कोई भी बुरी चीज़ मेंशन नहीं करी है। लेकिन एक्चुअली में देखने जाए तो कंपनी के फाइनेंशियल फंडामेंटल के अंदर मैंने जितना भी एनालिसिस करा मुझे तो कोई इशू नज़र नहीं आ रहा है। तो कंपनी ओवरऑल एक गुड कंपनी है। हम लोग यहाँ पर कंपनी का दूसरी कंपनी के साथ में कंपैरिजन करते हैं PE के साथ में। PE वाइज आप लोग देख सकते हो कि सारी कंपनी के PE यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा है। अब हम लोग देख लेते हैं कि कंपनी ने पिछले कुछ सालों के अंदर अपने प्रॉफिट ग्रोथ के अंदर और इस सब के अंदर कितनी ग्रोथ करा है। तो प्रॉफिट के अंदर अगर हम लोग बात करें, ऑपरेटिंग प्रॉफिट के यहाँ पर 2012 के अंदर 0 बता रहा है, 2013 के अंदर वो 1 था, 2014 के अंदर भी वो 1 था, 2015 के अंदर 2 था, 2016 के अंदर 6 था। ऐसे करते करते धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते लास्ट फाइनेंशियल ईयर के अंदर यहाँ पर 34 का यहाँ पर प्रॉफिट ऑपरेटिंग प्रॉफिट हो चुका था। तो प्रॉफिट के अंदर काफ़ी अच्छी ग्रोथ यहाँ पर हुई है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है, आप लोग देख ही सकते हो यहाँ पर 42 से वो यहाँ पर 60 हो चुका है, तो यहाँ पर वो भी बढ़ चुका है। कंपनी के नेट प्रॉफिट की बात करी जाए तो कंपनी के नेट प्रॉफिट के अंदर भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी अच्छी इंक्रीज देखने को मिली है। तो बस यही कुछ बातें थी जो मुझे आपको बतानी थी ग्लोबल एजुकेशन कंपनी के बारे में। मुझे पर्सनली कंपनी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग और काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी, तो आप लोग इस कंपनी के बारे में एक बार डिटेल के अंदर जरूर से स्टडी करना। और हाँ, ये वीडियो मैं एजुकेशनल पर्पज़ के लिए बना रहा हूँ, मैं यहाँ पर कोई भी इन्वेस्टमेंट एडवाइजमेंट या टिप वगैरह नहीं दे रहा हूँ, और मैं कोई भी सिविल रजिस्टर इन्वेस्टमेंट एडवाइजर या रिसर्च एनालिस्ट नहीं हूँ। तो अगर आप कभी भी स्टॉक मार्केट के अंदर इन्वेस्टमेंट करें तो आप अपनी सिविल रजिस्टर इन्वेस्टमेंट एडवाइजर या रिसर्च एनालिस्ट की सलाह जरूर से लें। तो यहाँ पर अगर हम लोग फाइनल कंक्लूजन की ओर आते हैं, तो मुझे पर्सनली कंपनी काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव लगी, और कंपनी की वैल्यूएशन काफ़ी कम है, कंपनी यहाँ पर अंडर वैल्यूड है, प्लस कंपनी जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है, कंपनी की मार्केट कैप है वो भी बहुत ही कम है। तो यहाँ से ग्रो होने के लिए कंपनी के पास में काफ़ी अच्छा ऑप्शन है, कंपनी यहाँ से बहुत ही ज़्यादा ग्रो हो सकती है, इनफैक्ट 10 टाइम्स जितने भी यहाँ पर ग्रो हो सकते हैं। तो बस यही कुछ बातें थी जो मुझे इस वीडियो के अंदर आपके सामने रखनी थी। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और अगर चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलता हूँ आपको ऐसे वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।